अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरशद साजिद बिग न्यूज स्टूडियो से। आज हम आपको एक ऐसी जगह का विजिट करवा रहे हैं कि बहुत सारे दोस्तों का हमें सवाल था कि कारोबार के हवाले से हमें कोई मशवरे दिए जाएं। तो आज हम एक फार्म पे आए हैं और वहां पर देसी मुर्गे मिस्री और गोल्डन जो है उनको यहाँ पर रखा गया हुआ है। तो आज हम उनके जो ऑनर है वह हमारे सामने खड़े हैं। क्या नाम है? शाहिद वाला साहब, उनकी मेहरबानी का आज उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो आज हम आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि आप ये कारोबार कैसे कर सकते हैं। शाहिद वाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो आप बताएं जरा, ये जो आपने एक फार्म बनाया हुआ है इसमें आपके कितना खर्च हुआ और आपको क्या प्रॉफिट, अगर आप तफसील से बता दें। ये सर मैंने जो है अपना न्यू लासानी चिकन एंड चिक्स कंपनी है उनके साथ है मिलकर, वो छोटे फार्मर के लिए जो है ना उन्होंने बड़ा अच्छा रोजगार स्कीम दी है। तो इसमें इस तरह के जो है हमारा रेंट पर मैंने जो है ये फार्म लिया हुआ और एक बंदा रखा हुआ है। रेंट जो है इसका तकरीबन 15,000 रुपया और 15,000 जो है मैंने बंदे को देना है, 30,000 रुपया मेरा जो है सिर्फ खर्चा आ रहा है। फीड जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, मेडिसिन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, डॉक्टर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, चूजा जो है उसका वो कंपनी प्रोवाइड करती है। हमने जो है इसकी देखभाल के पैसे लेने हैं, मिसाल 25 रुपये पर मंथ पर चूजा जो है वो हमें देखभाल के लिए हमें दे रहे हैं। तो वो मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसमें सिस्टम है। अगर हम मिसाल के तौर पर कंपनी ये भी हमें रिलैक्स दे रही है कि अगर 300 चूजे तक, 5,000 चूजे पर 300 चूजा अगर मर जाता है अपनी गफलत की वजह से, कोई पाँव के नीचे आ जाता है या कोई कुत्ता बिलांदा चला जाता है अचानक और कोई मसला बन जाता है, तो फिर भी कंपनी उसकी कोई कटौती नहीं करती। अगर बीमारी की सूरत में सारे अच्छा, चूजे जो 300 है जी आपको वो 5,000 का देगी जी, 5,000 पर 300 चूजे की छूट है अपनी गफलत से जो है, तो उसमें वो कटौती नहीं करेगी। अगर उसके बाद कोई मिसाल अचानक बीमारी आ जाती है, जिस तरह कोई भी किसी किस्म की भी आफत आ जाती है अचानक, तो बीमारी की सूरत में कंपनी क्लेम नहीं करेगी फार्मर के ऊपर। आपको जो देखभाल के 25 रुपए पर चूजे के हिसाब से वो आपको देगी, वो देगी। और उस पे क्या उन्होंने कोई इंश्योरेंस वगैरह का? जी इंश्योरेंस होती है, यानी अगर कोई बीमारी आ जाती है सारे मर जाते हैं जी तो आपको कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है, कंपनी का ये चूजा जो है इंश्योरेंस वाला चूजा, वैसे अल्लाह माफ करे इस तरह का कोई मसला होता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की अपनी हैचरीज है, रावलपिंडी में इनकी अपनी हैचरी है, तो ए प्लस ग्रेड जो चूजा है वो कंपनी फार्मर को प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई हमारा व्यूअर जो है वो नाज़रीन देख रहे हैं जी, अगर उनमें से कोई आदमी करना चाह रहा है उसके पास फार्म भी नहीं है जी, तो वो किस तरह से ये करेगा सारा? कोई ऐसा मसला नहीं है, ये ओपन शेड में सख्त जान चूजा है ये, और ए प्लस ग्रेड मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ए प्लस ग्रेड भी चूजा है ये और सख्त जान चूजा है, इसको कोई मसला नहीं है। आप कहीं भी मिसाल ओपन शेड जो कि बिल्कुल अभी फारग पड़े हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, तो 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक जो है ना वो बड़ा शेड जो है आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने मेरे शेड की विजिट की, आपने देखा ये कितने एरिया पे? ये तकरीबन 2 कनाल रकबा है और इसको 10,000 स्क्वायर फुट है। 10,000 स्क्वायर फुट। कितने किराए में मिला ये? मुझे 15,000 किराए में मिला। 15,000 डबल स्टोरी। बिजली का बिल कितना आ जाता है? 1,000-1,200 रुपया मुसलमान आ जाता है। एक मोटर लगी हुई है और आपने पंखा चलाना अपने अंदर अपने लिए, और जो एनर्जी सेवर है 2-4-10 वो लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें आपको उनको एडवांस तो नहीं देना पड़ता? नहीं, कोई एडवांस नहीं देना पड़ता, मंथली किराया ही देना पड़ता है। ये जो मसलन फार्म होते हैं ना इसमें एडवांस कोई नहीं देना पड़ता, इसका हिसाब होता है फ्लाक के हिसाब से जो आम मसलन चल रहे हैं। मैंने इनको कोई 1 रुपया एडवांस नहीं दिया, 4 महीने के बाद मैंने इनको किराया पे करना है। 4 महीने बाद जी? अच्छा, इकट्ठा नहीं देना आपने? नहीं नहीं, पर मंथ नहीं देना? पर मंथ नहीं देना। 4 माह के बाद आपने वो इकट्ठा दिया? जी मैंने इनको इकट्ठा 12 माह का फिर किराया दिया। ये हर जगह यही असूल है या सिर्फ यहाँ? मैक्सिमम यही असूल है, लेकिन कुछ जो ऑनर होंगे फार्म के, हो सकता है उनको जरूरत हो तो वो कहें कि हमें पहले दे दो, अगर वो पहले लेंगे तो हो सकता है वो आपको 2,000 पर मंथ के हिसाब से कम भी दे सकते, कम भी देंगे जी। तो आपने जिस कंपनी के साथ रब्ता किया उसको आपने क्या दिया? उनको हमने जो बतौर सिक्योरिटी जो है ना वो जमा करवाया 3,50,000 रुपया 5,000 चूजे के लिए। तो जो कि मतलब मैं एज ए फार्मर ये बात सोचता हूँ कि ये कोई इतना ज्यादा रकम नहीं है, क्योंकि उनसे 3,50,000 रुपये से जायद की मेरे पास उनकी फीड पड़ी हुई है, चूजा उनका पड़ा हुआ है। ये कम से कम मेरा जो माल है, मेरा 15 लाख रुपए का माल है जो इधर मुझे कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया। फार्मर को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि यार मैंने 3,50,000 रुपया अगर जमा करवाया तो पता नहीं क्या होगा, क्यों कि कंपनी जो है वो एग्रीमेंट करती है, SCCP से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के इदारों से तमाम से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान के ओनर हैं, कोई बाहर मुल्क की ये कंपनी नहीं है। तो कोई चला जाएगा तो लाहौर में इनका हेड ऑफिस है, रावलपिंडी में भी है इनका ऑफिस,
तो उसके अलावा ये है कि आपको किसी किस्म की कोई कोफत नहीं है कि यार कंपनी चली जाए, कंपनी का माल इधर हमारे पास पड़ा हुआ है। कंपनी को ये टेंशन हो सकती है कि फार्मर ना कहीं भाग जाए, फार्मर को टेंशन नहीं है कि कंपनी कहीं चली जाएगी, और उसका वो चेक जो है वो बना कर देती हैं, मतलब रिटर्न चेक जो होता है 16 माह का एग्रीमेंट कंपनी करती है और उसमें आपको चेक देती है बनाकर, कंपनी का चेक होता है, UBL का चेक है, वो आप चेक भी करवा सकते हैं बैंक से। तो किसी किसी का कोई फेक काम नहीं है कि कोई ना कहे कोई फेक काम वो नहीं है। अलहमदिल्ला हम शुक्रगुजार हैं लासानी चिकन चिकन वालों के, उन्होंने छोटे फार्मर्स के लिए जो है वो अच्छा रोजगार का सिलसिला जो है ना वो हमें मुहैया किया। आपने 15,000 रखी है, इसका मतलब है कि 375,000 जी सर, 375,000 रुपया मेरी जो है मंथली इनकम। 375,000 तो आपने वहाँ पर 1,50,000 रुपया मैंने उधर बतौर सिक्योरिटी जमा कराया। सिक्योरिटी जमा कराया और ये आपका मैदा 14 माह का 16 माह का और 16 माह के बाद जो है नए सिरे से आपका मैदा होगा। ये अगर फार्मर चाहेगा उसको कंपनी के साथ काम करना अच्छा लगा तो वो उसके बाद अगर चाहता है कि मैंने दोबारा काम करना तो नया एग्रीमेंट होगा और नया चेक उसको दे दिया जाएगा। कंपनी फार्मर के साथ 16 माह का ही एग्रीमेंट करेगी। तो इसमें जो आपके 5,000 चूजे होते हैं तकरीबन आपको कितने साल, कितना साल? 4 माह हो गए हैं। 4 माह हो गए तो इस अरसे में आपको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा कि इसमें से कितने मर जाते हैं जो नहीं, मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। जो शरह अमवात है चूजे की, मिसाल 5,000 चूजे पर 300 दी हुई है उन्होंने आज तक, मतलब 15,000 चूजे में से भी 300 चूजा जो है ना वो मेरा नहीं मरा। नहीं मरा है, हाँ जी। बहुत कम जो है ना शरह अमवात जो है ना वो बहुत कम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्लस ग्रेड चूजा है, इनकी अपनी हैचरी है, मतलब इनका चूजा जो है वो बाहर आउट कंट्रीज में जाता है, तो इस वजह से ये वो इस तरह का ना माल देती हैं तो ना रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 5,000 चूजा है आपको उन्होंने 300 का दिया हुआ है तो आपका 300 को जाए तो 100 या 50 या कुछ भी नहीं होता, आपके सारे महफूज रहते हैं। जी जी। तो कंपनी आपको कोई फायदा देती है इसका? नहीं, कंपनी कोई फायदा नहीं देती। देखे ना, आपने अगर बेईमानी करनी है तो वो तो आप कर सकते हैं कि आप, मैंने अभी 15,000 चूजा डाला हुआ, मैं 900 चूजा बीच में से रख सकता हूँ क्योंकि वो मुझे उन्होंने छूट दी हुई है, लेकिन वो जब कहे मेरा ना कोई बीमारी आई है ना कोई मेरी अपनी गफलत से कोई मसला बना तो मैं क्यों ऐसे हराम खाऊं, जबकि मुझे अल्लाह पाक रिज़्क़े हलाल दे रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने रिज़्क़े हलाल में बरकत दे ना, कि मैं कंपनी का अगर चूजा बच गया तो मैं वो मतलब साइड पे करूँ या खुद बेचूँ या मसाला, कोई जरूरत उनकी तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं, नहीं उनकी तरफ से कोई। ये आपकी ईमानदारी कि आप कितना हलाल खाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना देखा भी, आपको हमने ये सारा विजिट भी करवाया, तो एक बहुत ज़बरदस्त कारोबार है और 375,000 में, 375,000 में 350,000 आज सिक्योरिटी जमा करवा, 350,000 रुपये सिर्फ आपकी सिक्योरिटी है, 5,000 चूजेगी और 1,50,000 चूजेगी, जिससे आपको 1,25,000 पर मंथ जो है वो आपको कंपनी देगी और 1 माह के बाद अपने चूजे उठा लेगी। जितने आप ज्यादा चूजे रखेंगे उतनी आपकी आमदन ज्यादा होगी, खर्चा आपका वही रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कारोबार है। अगर आप इस बारे में कोई मजीद सवाल करना चाहें तो हमारी ये नंबर आ रहा है, हमसे रابطہ करें, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।